राजस्थान विधानसभा को लेकर एनडीए में तालमेल नहीं दिख रहा है। एनडीए में शामिल तीन प्रमुख दलों ने लिस्ट जारी कर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जेजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट के राजेंद्र सिंह गुढ़ा के खिलाफ उदयपुर वाटी से बीजेपी ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। जननायक पार्टी के बाद चिराग पासवान की एलजेपी ने 12 उम्मीदवार घोषित किए हैं। बता दें, इससे पहले जेजेपी ने पहली सूची जारी कर बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा दी है। जारी सूची के अनुसार सिविल लाइन से अजीत गौड़ और मालवीय नगर से पवन शर्मा को टिकट दिया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एलजेपी और लिस्ट जारी करेगी। सांगानेर से एनके झा, अलवर से भरत लाल, महुआ से घनश्याम अवस्थी, भीम से गोविंद सिंह रावत, अलवर ग्रामीण से नारायण देवी और कोटा उत्तर से मोहम्मद दानिश को उम्मीदवार बनाया गया है। हरियाणा में गठबंधन की सहयोगी जेजेपी ने कुल 30 उम्मीदवार खड़े करने की घोषणा की है। जेजेपी ने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही जारी कर दी है, जल्द ही अब दूसरी लिस्ट भी जारी होगी। आपको बता दें कि सितंबर महीने में हरियाणा के उपमुख्यमंत्री और जेजेपी के संस्थापक दुष्यंत चौटाला जयपुर दौरे पर पहुंचे थे। तब उन्होंने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी 18 जिलों की 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा था कि पार्टी कार्यकर्ता राजस्थान में सक्रिय हो गए हैं, जहां लगातार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। चौटाला ने कहा था, अगर राजस्थान के लोग हमारा समर्थन करते हैं तो हरियाणा की तरह ही राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% आरक्षण दिया जाएगा, महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% हिस्सेदारी मिलेगी।